प्रणाम, हाय, होशामुद्दीन, मैं तो अधूरा हूँ आप सबके बिन। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे चैनल में सत्या भाई रिव्यू में रिव्यू करने वाले हैं संजू दादा का नया रिलीज होने वाला नया पिक्चर प्रशांतम। दरअसल ये पिक्चर जो है प्रशांतम पिक्चर रीमेक ऑफ तेलुगु पिक्चर है। इस पिक्चर को हिंदी में रीमेक किया गया है, सेम वही नाम रखा गया है। और देख देख इस पिक्चर के ट्रेलर में आप देख सकते हैं संजू दादा हाथ में एक गन रखे रहते हैं और एक सिगार पीते रहते हैं और स्टार्टिंग में एक डायलॉग बोलते हैं। फिर देखने को मिलता है कार बड़े स्पीड में आके पलटती है और दरअसल एक पॉलिटिकल मूवी की तरह लगती है जिसमें जो पार्टी आपस में टकराते हैं। इस पिक्चर में बड़े बड़े स्टार आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि मनीषा कोइराला और जैकी श्रॉफ, चुंकी पांडे और अली फैजल और अमिया दस्तूर। असल में ये पिक्चर दो पॉलिटिक्स के आपस में टकराने को ले गया है जिसमें दो अलग अलग पार्टी आपस में टकराती है। ये पिक्चर वाकई एक थोड़ा कॉमर्शियल, थोड़ा पॉलिटिक्स और लव, ये तीनों मिला के इस पिक्चर में दिखाया गया है, पिक्चर के ट्रेलर में दिखाया गया है। असल ये तेलुगु पिक्चर में भी इसी तरह दिखाया गया था और ये शायद इस रीमेक के कारण सेम रूबरू उसी तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। वाकई पिक्चर का ट्रेलर तो काफ़ी दिलचस्प था, देखने लायक था और एकदम एक्शन हमेशा की तरह जिस तरह हमें संजू दादा दिखाई देते हैं और उनके होम प्रोडक्शन में ये पिक्चर ये रिलीज होने वाली है। वाकई ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा है तो पिक्चर भी अपने को हमेशा की तरह संजू दादा का एक्शन ट्रेलर और एक्शन मूवी देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा और तरह तरह के बदलाव, नए नए बदलाव लाता रहूँगा और नए नए वीडियो आपके लिए मैं पोस्ट करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।